आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप वहीं से देख सकते हैं कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, और वो आपका कौन कौन सा डेटा चोरी कर रही है, और कौन कौन सी परमिशन आपसे मांगती है जो आपने अलाउ की है कि नहीं, ये भी आप वहीं से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने google.com लिखा हुआ है, फिर आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आई बटन है आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, और सेकंड ऑप्शन है कि परमिशंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गूगल जो है माइक्रोफोन की परमिशन मांगता है जो कि हमने ब्लॉक की हुई है। आप यहाँ से इसको अलाउ भी कर सकते हैं, और अगर अलाउ है तो यहाँ से इसको दोबारा ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुकीज लेता है। इसी तरह हम एक और जो है वेबसाइट चेक कर लेते हैं, हम फेसबुक की वेबसाइट चेक कर लेते हैं। हमने facebook.com लिख के सर्च किया है तो हमारी फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और आई के बटन पे चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन भी सिक्योर है, और ये परमिशन में जो है हमारी नोटिफिकेशन की परमिशन मांगती है जो कि हमने इसको अलाउ की हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।